फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे घर के सारे काम वाम चल रहे हैं। आइए ब्लॉग में बने रहिए और जो भी होगा आपको बताएंगे। इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, ये मुझे अपने मुंबई वाले घर में कराना था लेकिन वहाँ नहीं हो पाया। अभी बनने के समय से यहाँ पे अम्मा बना रही है परवल की सब्जी और मैं बना रही हूँ चाय। हमारी चाय का नाम है तूफानी चाय। तूफानी इलायची और लौंग ही डाल दी। इतने दिन के बाद तुम मौधा में तुम्हारी पहली गर्मी, तुम्हें कैसा लग रहा है? दिन में नहीं पता चलता, जब सो रहे होते हो नींद आ रही होती है और फिर लाइट चली जाती है। हाँ। तो फिर थोड़ा सा लगता है। मजा आ रहा है गर्मी में? हम हर जगह रहने वाले इंसान हैं। खाने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेच रहा है, कोई खाता ही नहीं, पूरा पार्टी सब खाएंगे। ये ले जाऊं उनके लिए? हां, ये अम्मा पापा को दे दो। बहू के हाथ का ताजा ताजा फल। फ्रेंड्स, मुझे सारे फ्रूट्स काटते बन जाते हैं और अच्छा भी लगता है काटना, लेकिन अनार मुझे मतलब करने को आऊंगी तो कर लूंगी लेकिन दिल से पसंद नहीं है और हाथ भी काले काले हो जाते हैं, तो सभी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अनार वो करके दे रहे हैं जैसे दुकान वाले नहीं होते, खट खट कर मार मार के बेचारे का रस निकाल देते हैं। सनी शॉर्ट्स पहन के बैठे, इसीलिए उनको भी नहीं दिखा रही हूँ। पहले हाथ दिखा देती हूँ और अब मुँह दिखा देती हूँ। सबसे आसान तरीका है अनार छीलने का। शाम का वक्त हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं डोर देखने के लिए ऊपर जो लगेगा और मौसम बहुत अच्छा है, बादल है। देखिए पेड़, कितनी तेज हवा चल रही है। कैसा लगा मेले में? बढ़िया लगा अल्हम्दुलिल्लाह। लंगर खाया? हाँ, लंगर भी खाया। बड़ा सुकून लगा जमीन में बैठ कर। और मौसम भी अच्छा होगा? मौसम भी अच्छा था वहाँ पे। वीडियो लिया? बस एक आध क्लिप ली है मैंने। ठीक, यहाँ पे भी दुकान है। वॉशरूम के डोर में ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, जो सामने लिखा है इसमें एनेक्सा लिखा है, यही वाला लेना होगा ऊपर के लिए। तो हमने सोचा कि आज कुछ चेंज करें, तो आज हम लोग पी रहे हैं मैंगो शेक, आधा पानी आधी बर्फ और आधा मैंगो। फायदा नहीं करेगा लेकिन अच्छा है मेरे हिसाब से। अच्छा लग रहा है मुझे, टेस्ट अच्छा लगता है लेकिन हर अच्छी चीज नुकसान करती है, नुकसान दे होती है। एक तो मौदहा में इतना ट्रैफिक हो गया ना कि यहाँ पे गाड़ी लेके निकलना इतना मुश्किल काम है, है ना? मैं आपसे कह रही थी, क्या कह रही थी, मेरे बस में हो जाए। हाँ, कह रही अगर मेरे पास मौत है तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं कुछ तो कर लूँ, एकदम वो होके स्ट्रिक्ट वाली। आज सोचे अरे ये मेरा दोस्त है, अरे ये मेरा है, मैं बोलूँगी नहीं, रूल सबके लिए बराबर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना अच्छा फील हो रहा है, बस बारिश हो जाए तो और अच्छा लगे। यहाँ पे कभी कुआ होता था, बेचारा सूख गया। बकरी भी आई है घूमने, खाना खाने। ये मस्जिद है ना, और ये कॉलेज है मौदहा का, नेशनल इंटर कॉलेज। 12th तक स्कूल है और ये प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे सब क्रिकेट खेल रहे हैं। आंधी आ रही है? हाँ, हवा तेज चल रही है। बचपन में कहते आंधी आ रही है, भागो अंदर। डर लग रहा है? अब नहीं लगता, थोड़ी हिम्मत आ गई। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे, अभी रोशनी भी और हवा भी चल रही है तो मैं अभी वॉक कर लूंगी, वरना फिर अंधेरा हो जाता है, सनी भी बाहर चले जाते, मेरी वॉक नहीं हो पाती है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाला है कोई तूफान। 7:25 हो गया फ्रेंड्स, अब अंधेरा भी होने लगा और लाइट भी चली गई। अभी जाती हूँ मैं नीचे। आज बेटी खाला आ गई है और कड़ी भी बना के लाई है। अम्मा जो है मतलब मेरी नानी, वो महल को अभी भेज के कह रही है पास्ता ऑर्डर कर दे। यहाँ से मौदहा से? यहाँ कहीं नहीं मिलेगा पास्ता, यहाँ तो पास्ता नहीं मिलेगा। घर पे बना के तुम भेजा सकती हो? अब कल भेजा, तो किसी दिन बना के उनके लिए भिजवा लेके जाना। ठीक है, अभी तो सामान भी नहीं है। कल कल आज नहीं, कल कल लेके कुछ और भिजवा दे उन्हें। क्या भेजवाना बोलो? बेटी खाला को ऊपर लेके आए थे खाने के लिए। किचन है ये? हाँ, कितना अच्छा है, पूरा खुला खुला। गैस कहाँ रखोगी? गैस शायद इधर रखूंगी या तो इधर रखूंगी। उधर से छुपकली, अल्लाह छुपकली पहले से आ गई। बेटी खाला ऊपर आई थी घर देखने कितना बना है, तो यहाँ पे भी मैंने उनको काम पे लगा दिया है। तो अलमारी में बहुत कम जगह है, तो जितने भी सर्दी के कपड़े थे वो मैंने हटा के रख दिए, फिर पहनेंगे बाद में। हाँ, सर्दी वाले तो हमने कहा ये गिरे हुए हैं, ये आप जमा लो। 9:50 हो गया है, कपड़े सारे जमा दिए बेटी खाला ने, अब वो जा रही है, उनको छोड़ देते हैं। सनी भी बाहर है, हम बैठेंगे नीचे, उसके बाद फिर करेंगे डिनर।
सनी को कॉल किया खाने के लिए, तो भैया वो तो पिज्जा खा रहे हैं आज बाहर अकेले अकेले, तो मैं और अम्मा खाना खा लेते हैं क्योंकि कढ़ी चावल है तो मन भी कर रहा है। दस्तरखान बिछा लिया, चलो खाना ले आते हैं। ये बनाई थी बेटी खाला ने कढ़ी, ये तो देख लो क्या हो गया, चुप कर ली कहाँ है ये, इतना डर, चुप कर ली, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो नहीं डरता होगा। मैं तो नहीं डरता हूँ, हाथ में उठा लोगे? अरे हाथ में क्यों डालूंगा भाई, क्या बनाया है बेटी का? कढ़ी लाई थी, अच्छी है। तुम्हारी खाला की इज्जत अच्छी करोगी ना? हमने तो सबसे कह दिया जैसे नहीं पिज्जा खा रहे इसलिए हम और अम्मा खाना खा ले रहे हैं। पिज्जा मुझे खाना था लेकिन फिर मैंने सोचा कि खामा खा खाने से कोई फायदा नहीं, खाना खाते हैं घर में जाके, नहीं मुझे रोटी सब्जी चावल ये सब चीज़ें पसंद है। हाँ कड़ी तो अच्छी रही यार, पकौड़ी मत देना ज़्यादा, मुझे एक दो दे देना बस। चलो भाई आपसे खा के मिलते हैं फिर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं छत पे वॉक करने के लिए, इस वक्त 12:15 हो रहा है और जैसे तनी से कहा था लाइट लगवा दो। ओ जल गई लाइट, थैंक यू। तुम ये गाना सुन के इतने जज्बाती हो गए कि फोन नीचे गिरा दिया। सॉरी यार, वो ऑलरेडी फ्रेंड टूटा था और मुझे टाइटल भी मिल गया भाई, वो बोल रहे मेरी जिंदगी जाने क्या लोगों, तो मैंने ऐसे कर दिया वो और गिरा दिया वो। फ्रेंड्स वैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, अभी नहीं टूटा, ये पहले से टूटा था लेकिन मुझे टाइटल मिल गया। क्या मिल गया टाइटल जल्दी बताओ? सनी का फोन टूट गया, सनी का आईफोन टूट गया। शॉक वाला रिएक्शन दो, फोन देख के सैड रिएक्शन दो, फोन देख के टूटा हुआ, फोन देख के जिस साइड टूटा है। रुक जाओ, ऐसे में नहीं समझ आ रहा, थंबनेल में लगाना रोने वाला। अरे सैड फेल ऑडिशन में फेल भाई यार, रुक जाओ रुक जाओ, कोई नहीं देख के खत्म हो गया थंबनेल देख के नहीं हो सकता तो फिर काम, चलो रुक जाओ रुक जाओ। <नहीं करो। laughs> नाइस ट्राई, चलो बत्ती बुझा दो। फ्रेंड जितना कोई थक सकता है, जितना कोई चल सकता है, आखिर में जब तक आपके पैर टूटने ना लगे मैं उतना चलती हूँ दिन भर, सीढ़ियों से ऊपर नीचे चलना फिरना खड़े रहना, ऐसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं है लेकिन चलती हूँ कि कुछ असर हो जाए, वजन कम हो जाए। लेकिन अब चेक करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक, फिर आपको बताऊँगी कितना कम हुआ नहीं हुआ। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट डे हो चुका है, सारा का जो है रिजल्ट आ जाएगा 12:30 तक, अभी 11:30 हो रहा है और बड़ी धक धक हो रही है। और पता है इत्तेफाक से कल उसने बताया था कि आज रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे सपना आया और सपने देखा उसके 60% आए हैं, तो वो थोड़ी उदास है। उसका मैसेज आया शायद ओपी डर लग रहा है, उसको हमने समझाया टेंशन नहीं लो, शालूपी सही है, नहीं लेंगे टेंशन। और शालूपी वो जैसे भी हमने पूछा था तो उसमें कह रहे हैं कि सिर्फ टोटल आता है, परसेंट नहीं आते, तो फिर आप हमको निकाल के भेज देना, आप रोल नंबर निकाल के रख लो और देखते रहना जब 12:30 बज जाएगा, अभी जो आएगा फिर आपको बताएंगे। रिजल्ट आने वाला है सारा का और कोई भी होश हुआ जा रहा है खुद से पहले से, तो मैं तक टेंशन नहीं ले बैठी हूँ, टेंशन नहीं ले रही, बस वो होती है ना लास्ट मोमेंट की वाली वो नर्वसनेस या एंजाइटी क्या बोलते हैं वो, मतलब मुझे पता है कि अच्छे नंबर आएंगे उसका, मुझे भी पता है कि अच्छे आएंगे लेकिन एक वो होता है कि पता चल जाए क्या होगा अच्छे, मतलब ये मुझे नहीं है कि वो फेल होगी, वो बहुत ज्यादा मेहनती लड़की, उसने बहुत मेहनत की है, पूरे साल दिल लगा के पढ़ा है, जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन ये कि अच्छे से अच्छा आ जाएगा। मुझे खानी थी जलेबी दही तो मैं ले गया बाहर से, मैं कहूँ थोड़ा सा खा लो तो कह रही नहीं 12:30 खाऊंगी उसका रिजल्ट देख लूंगा, वो मीठा करोगी, 20 मिनट बाकी है उसके बाद सारा का रिजल्ट। सारा एक बार बोल लगा पूछो ना क्या कर रही हो, एक बार पूछो ना उससे। असली प्रैंक का मजा तब आए जब ऐसे में इंसान मैसेज करके बोले कुछ उल्टा सीधा, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकती, डर के क्यों बात कर रही हो। तुम्हारी अम्मी ने जैसे वो फूंक डाल दी थी ना, तुम्हारे 5,000 निकले थे ईद की गेम में, ऐसे अभी भी बोल दो पढ़ दे कुछ जल्दी से। क्या वॉशरूम चली गई वो? हाँ सर, तकिया पकड़ के बैठी है नीचे, वो करती मेरे को गाल भी टेंशन ले रही है सच में, मेरी भी गाल गर्म हो रहा है। वो तो होगा, हमने सनी भाई से कहा कि ऐसे टाइम पे अगर कोई प्रैंक करे, अगर आप हमसे प्यार करती होगी तो इस टाइम पे कभी प्रैंक नहीं, नहीं करूँ भाई, मैंने कहा वही तो शादी उतना चलो फिर भी हो गया, लेकिन अब नहीं 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 इसमें हम भी नहीं करेंगे, हमें पता है ना अच्छा होगा तुम्हारा, अच्छा होगा रिजल्ट बेटा। हमने सारा ये तो बताया नहीं, हमने कल सपना देखा तुम्हारे 60% आए।
नहीं तो सपना है, सपना थोड़ी ना सच होता है। सुबह को कब था? नहीं नहीं रात में था, क्योंकि तुमने हमें रात में बोला था ना कि रिजल्ट का कल आएगा, तो आप जो सोचते हो वो आपको सपने में दिख जाता है। तो हमने देखा कि हमने मार्कशीट देखी है, सब किया, 60% आए हैं, तो अच्छा ना उल्टा होगा। रिजा कह रही है कि मेरा 50 का देखना तो मेरा 100 आएगा। रिजा तो सच में 13 एप्लीकेशन नंबर इसका एंटर डिजिट ऐप नंबर ये 1630 इसमें लगा करो ना, साइट बहुत बिजी है ना, साइट बहुत बिजी है, अभी टाइम लगेगा सारा 5 मिनट। आराम से आराम, तुम तो और काफी जा रही हो, आराम से ना। 60 तुम पहले आराम से रिलैक्स हो भाई, टोटल बताना, ऐसे नहीं करना भाई, टॉप मारेगी लड़की है सारा, बहुत बहुत अच्छे नंबर है सारा तुम्हारे, बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन परसेंट निकाल रहा है सारा, सब सब में डिस्टिंक्शन है सारा, सारा सारा सब में डिस्टिंक्शन है, अब तुम्हारे 90 में आया सारा, तुमने तो टॉप कर दिया होगा, परसेंट देख रहे हैं सारा, ठीक है। 479 डिवाइड बाय 500 इनटू सारा 95.8 उम्मीद से ज्यादा अच्छे नंबर लेके आई हो तुम सारा, मीन्स 96। लेकिन बेटा वाकई तुमने अपने अम्मा अब्बा का नाम रोशन कर दिया भाई, साइड फील बिजी हो गई यार, बोलो फिर से बोलो बेटा, नंबर बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। इंग्लिश में आया 97 100 में से। सुन लो पहले 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 सुन लो पहले सुन लो, हिंदी में आया 95 अच्छा, संस्कृत में आया 92 ओह, और मैथ्स में आए 100 में से 100 ओ गॉड सारा, ये देखो 100 में से 100 सारा, 100 में से 100 अरे मेहनत से सब कुछ हो सकता है, और साइंस में तुम्हारे यहाँ है 95 और सोशल साइंस में आए 84 बस इसी में कम है, बाकी सब में तुम्हारे 92 कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा, तुम्हारी 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 मार्कशीट में पता क्या लिख के आएगा, विद ऑनर, मुंह तो मेरा मीठा करवा दो पहले। हाँ, सारा हमने ना चने भी भुना के रखी थी सुबह से कि जब रिजल्ट आ जाएगा फिर खाएंगे। लो लो तुम भी खा लो, मुबारक ना देखा लगा है, मुबारक हो, फिर से फूंक दिया तुमने। सलाम अलैकुम, मुबारक हो, वालेकुम सलाम, और क्या कर रहे हो? नाचे गाला बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा, मतलब नहीं नहीं उसकी उसकी मेहनत की वजह से और कुछ नहीं, उसने बहुत मेहनत की है, फिर उसके बाद हमसे हमारी एक सब्सक्राइबर मिलने आई थी मीनाक्षी, बहुत ही अच्छी थी, मिलके उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। फिर से फ्रेंड्स हमेशा की तरह वीडियो का एंडिंग लेना था और आपसे दिल की बात करनी थी, एंडिंग एक्चुअली इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि ब्लॉग थोड़े पहले पहले के हैं तो वो कभी बनते हैं और कहीं से खत्म होते हैं, तो जब वो उसका एंड हो जाता है तो मैं आके आपसे इसको समअप करके आपसे अपने दिल की बात कुछ करती हूँ। आपके एक 2 मिनट और लूंगी, आप ब्लॉग इतना लंबा देख ही चुकी होगी, तो ये जो ब्लॉग है जिसका जो आपने टाइटल देखा होगा, सारा का रिजल्ट जिसका आप सबको बेसब्री इंतजार था, आप सबने से बहुत ज्यादा गुड लक विश किया था, और उसकी मेहनत की वजह से आपने देखा उसे कितने अच्छे परसेंट आए हैं, उसने हम सबको बहुत ज्यादा प्राउड फील कराया है, पूरी फैमिली को, स्पेशली अपने अम्मी पापा को, और उनकी अम्मी पापा को मतलब नाजा खालू और गुड्डू खालू को भी बहुत ज्यादा मुबारकबाद। वैसे हम दे चुके थे, उनसे बात कर चुके, लेकिन एक होता है ना सिर्फ वीडियो में भी अपनी बात शेयर करनी थी, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है बच्चे की पढ़ाई में, अकेले एक चीज से नहीं होता, पूरी हर एक चीज उसमें काउंट होती है, तब जाके ये मतलब ये जो रिजल्ट है उस तरीके से आता है। रही बात सारा की, तो उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, दिल से मेहनत की, उसने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, सिर्फ मेहनत की है, तो उसका यही रिजल्ट है जो इंशाल्लाह आता है अगर आप दिल से मेहनत करो तो।
और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, आप सारे माँ बाप से करनी थी और बच्चों से करनी थी। जैसे बीते दिनों कई सारे रिजल्ट आए हैं, मतलब एमपी बोर्ड वाला भी आया है, यूपी बोर्ड भी आया है, उसके बाद आईसीएसई होता है और कौन सा होता है, एक सीबीएसई होता है। तो बीते दिनों बहुत सारे रिजल्ट आए, सारे बच्चे लाखों करोड़ों बच्चे होंगे, सब एग्जाम देते हैं, सब अपने तरह से पढ़ाई करते हैं, सबने एग्जाम दिए, पूरे साल मेहनत करी, किसी ने ज़्यादा की होगी, किसी ने कम की होगी, अपने लेवल से सारे बच्चों ने जैसा है किया होगा, ठीक है। अब जो रिजल्ट आ गया होगा वो आ गया होगा, अब उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। किसी ने टॉप भी किया है और कोई कोई बहुत कम परसेंट भी लाए होंगे, उतना जितना आपने एक्सपेक्ट किया होगा अपने बच्चों से वो उतना नहीं ला पाए होंगे, या फिर कभी कभी बच्चा खुद भी अपने लिए गेम बना लेता है, वो उतना नहीं कर पाता है। ये बच्चों के लिए स्पेशली बोल रही हूँ। तो अब तो रिजल्ट आ चुका, तो जो भी आया होगा अच्छा आया होगा, या आप लोगों के लेवल पे उतना अच्छा नहीं आया होगा, प्लीज़ अभी बच्चों को ना कुछ भी नहीं डांटना या कुछ भी नहीं कहना। मतलब आप समझा सकते हो, सही बात है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे से अच्छा ही आना चाहिए, लेकिन बच्चे सारे मेहनत करते हैं, किसी का कम आता है, किसी का ज़्यादा आता है। अब जो आ गया है आ गया, अब आगे देखना है, अभी पीछे नहीं देखना है, ठीक है। तो पेरेंट्स को सबसे पहले अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना है कि उसको देखो उसके कितने नंबर आए थे, उसके कितने आए थे, डांटना नहीं है, प्यार जरूर समझाना है, क्योंकि हर साल हम अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं। बहुत से बच्चे आजकल काफी ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, उतना नहीं करते हैं। अब को एक बच्चा होता है जो दिन रात सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करता है, दूसरा जो होता है वो थोड़ा फोन में ज्यादा रहता है। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे भी व्लॉग बच्चों अगर आप देखते हो तो आपका अगर पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप मेरे व्लॉग नहीं देखो। आपके पास अगर फ्री टाइम है, आप फ्री हो, आपने अपना पूरा होमवर्क कर लिया है, आपका जो डेली का जो आपका टाइम टेबल है वो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर आपको देखना है तो देखो, वरना आप ये भी छोड़ दो, लेकिन अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज मत करो प्लीज। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सारा ने सब कुछ छोड़ दिया था और मतलब कभी फोन भी नहीं छुआ था या कहीं गई भी नहीं थी। देखो इस साल वो हमारी शादी में भी आई थी और भी जगह आना जाना हुआ था, बीच में वहां पे भी उनके मतलब दादी के साइड वाले में भी शादियां थी, उसने सब कुछ अटेंड किया, सब कुछ किया, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई को पूरा कंप्लीट किया दिन भर का जो होता है, उसके बाद फिर आप खूब घूमो, एंजॉय करो, जो आपको करना है करो, लेकिन पहले वो अगर नहीं हुआ ना तो फिर आपका हक नहीं है कि आप मोबाइल उठा के देखो भी, आपके आपके दिल को खुद भी पता है कि क्या करना है, ठीक है। तो इसीलिए अभी जो हो गया अभी सबको पिछला रिजल्ट भूल जाना है और आगे के लिए मेहनत करना शुरू करनी है, ठीक है। अभी मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, आई लव यू।